वाराणसी व्रत। बड़ी खबर आ रही है, कई कांग्रेस नेता वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, आरपी सिंह, दीपेंद्र हुड्डा वाराणसी के लिए रवाना हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो मुद्दा है सोनभद्र का वो उग्रवाता जा रहा है। प्रियंका गांधी धरने पर बैठी हुई है, कई कांग्रेस नेता अब वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। आरपी सिंह, दीपेंद्र हुड्डा वाराणसी के लिए रवाना हुए हैं। सोनभद्र कांड में अपडेट आपको बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने पहुंची थी, लेकिन उनको वहीं पर ही रोक दिया गया। बीच में मिर्जापुर बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया था, जिसके बाद उनको चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया था। वहां वो धरने पर बैठी रही पूरी रात, उन्होंने वहां पर बिताई बिना बिजली के, और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई वापस जाने के लिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं यहां से पीड़ितों से मिले बिना नहीं जाऊंगी। और अब मामले को बढ़ता देखकर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चेन्नई और दिल्ली की तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं जनतंत्र टीवी पर, वहीं अब आपको अपडेट दे रहे हैं कि कई कांग्रेसी नेता जो हैं वो वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। आरपीएन सिंह, दीपेंद्र हुड्डा सभी वाराणसी के लिए रवाना हुए हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कई कांग्रेस नेता वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनमें आरपीएन सिंह और दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो हैं वो धरने पर बैठी हुई थी, और लगातार वहां से उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया कि मैं जब तक पीड़ित परिवार से नहीं मिलूंगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। लेकिन आपको बता दें कि धारा 144 सोनभद्र में लागू की गई है, क्योंकि शायद इतिहास में भी ऐसा हत्याकांड नहीं हुआ है। आपको ने एक साथ 10 लोगों को गोली से भून दिया गया, सोनभद्र में ये कांड हुआ था। और आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी हैं, मुझे रोका गया उसी समय, मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि 144 का उल्लंघन है, उसका उल्लंघन करने के बिना मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के दो लोगों को लेके जा सकती हूँ, नहीं तो कहीं पे जहाँ भी आप कहें, चाहे मिर्ज़ापुर में, चाहे सोनभद्र में, चाहे बनारस में, जहीं जहाँ भी आप कहें मुझसे मिलवा लीजिए। मेरा मकसद यहाँ आने का ये था कि मैं मिल लूँ, मैं जब मिलूँगी तो मैं चली जाऊँगी। कल रात को भी उन्होंने यही दोहराया कि आप चले जाइए, यहाँ पे ऐसा नहीं करिए। एक घंटे के लिए मैं इससे बात की, मैंने फिर यही दोहराया कि मैं परिवार के सदस्यों से मिलने के बिना यहाँ से नहीं। प्रियंका जी, एक काम, बाकी जो उनको करना है वो उन पर। प्रियंका, बाहर भी कहीं अगर परिवार के लोगों से मिलवाने के लिए तैयार है? तैयार के लिए तो मैंने सोचा बोला, मैंने शुरू से उनसे कहा, देखिए जिस समय उन्होंने मुझे रोका, मैंने उनसे कहा मैं 140 का उल्लंघन नहीं करना चाहती। अगर आप कह रहे हैं कि सोनभद्र में 140 है, तो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाइए मिलने के लिए, या फिर मुझे बताइए कहीं और मैं मिल लेती हूँ, आप इंतज़ाम कर लीजिए। उन्होंने मना किया, मैंने कहा देखिए मिर्ज़ापुर में 144 है नहीं, फिर आप मुझे मिर्ज़ापुर में जाने से क्यों रोक रहे हैं? उसका कोई आधार दिखाइए, कोई कानूनी आधार दिखाइए, कोई कागज़ तो दिखाइए, कोई ऑर्डर होगा। उन्होंने कहा फ़ोन पे ऑर्डर है। क्या अभी तक कोई कागज़ दिखाया? मुझे उन्होंने कोई कागज़ नहीं दिखाया, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक ऑर्डर दिखाया जो 144 का सोनभद्र का ऑर्डर। तो मैंने उनसे कहा कि मिर्ज़ापुर में अगर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, आपके पास लिखित में कुछ नहीं है, तो मैं मिर्ज़ापुर जा सकती हूँ, तो मैं जा रही हूँ। जब मैं जाने लगी तो मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, बोला कि आप अरेस्ट हो गए हैं और यहाँ पे ले आए। तब से मुझे यहाँ पे रखा है, शायद कल 11 बजे थे, 24 घंटे हो गए। अभी आपका क्या जब तक मैं उन परिवारों के सदस्यों से नहीं मिलूंगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैंने उनसे भी कहा है अगर कोई तरीका वो ढूंढना चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ या कहीं और मिलूँ, सोनभद्र न जाके कहीं और मिलूँ, तो भी मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं बगैर मिले यहाँ से। प्रियंका जी, एक आरोप लगाया,
बीजेपी के तमाम उनका एक मंत्री छह लोग अस्पताल में पड़े, क्या भाजपा का एक भी मंत्री, क्या उनका मुख्यमंत्री, क्या उनका एक भी सांसद वहाँ पे पहुँचा है, उस गांव में पहुँचा है उन आंसुओं को पोंछने के लिए? तो प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप, उन्होंने अपना मत जो है उन्होंने अपनी मंशा साफ साफ स्पष्ट कर दी यहां पर कि वो बिना मिले नहीं जाएंगी और किसी भी हालत में वहां पर मिलेंगी। लगातार आपको बता दें 24 घंटे होने को आ रहे हैं, उनको चिनार गेस्ट हाउस में ही रखा हुआ है। उन्होंने यहां पर कहा कि उन्होंने कहा था कि जैसे वो चाहते हैं वो ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। और हमारे संवाददाता रंगेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। रंगेश, क्या कुछ इस समय अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, बता दें कि प्रियंका गांधी को अभी चुनार के साथ में रोका गया है और उन्हें कोई कारण नहीं बताया जा रहा है कि क्यों रोका गया है, क्योंकि पूरे जनपद सोनभद्र में 144 धारा लागू है और जिसके तहत में किसी भी पार्टी के नेता का आना जाना प्रतिबंधित है और चारों तरफ की सीमा सील कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के भी सांसद लोग आ रहे थे लेकिन उन्हें सोमवार में आने से पहले ही रोक दिया गया है। तो इस तरह से अभी पूरी 144 लगी हुई है, शांति व्यवस्था अभी कायम है। मैम बिल्कुल रंगेश, लेकिन जिस तरीके से हम प्रियंका गांधी को यहां पर देख रहे थे, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वो नहीं मिलेंगी तब तक वो यहां से जाएंगी नहीं। लगभग 24 घंटे होने को आ गए हैं उनको यहां पर। जी यही है कि जनपद सोनभद्र के एक आदिवासी नेता जो 8 बार के विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, उन्हें उसी जाति के हैं जिस जाति के लोगों की हत्या हुई है, विजय सिंह गौर उनका नाम है, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर पे उनको अरेस्ट करके रखा गया है। तो इस तरह से जनपद में जितने भी किसी भी पार्टी के लीडर हैं या आदिवासी नेता हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूरे जनपद में इस तरह का खेल चल रहा है जैसे इमरजेंसी के समय चल रहा था। जी मैम बिल्कुल रंगेश, ये भी देखने को आ रहा है कि कई जगह दिल्ली और चेन्नई सभी जगह हमने दिखाया भी है जनतंत्र टीवी पे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है वहां पे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं, बाकी सारी स्थिति का अगर जायजा लिया जाए तो क्या स्थिति कंट्रोल में है? स्थिति देखिए यहाँ पे कंट्रोल में है, यहाँ पे स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जनपद के बाहर जो प्रियंका गांधी को रोका गया है इससे कांग्रेसियों में काफी उबाल है और जगह जगह के कांग्रेसी इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे स्थिति अनियंत्रित हो सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। जी मैम। जी रंगेश, ये भी खबर आ रही है कि बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी? मैम देखिए, पूरे प्रदेश से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर और केवल प्रदेश की ही बात क्यों करें, देश के बड़े बड़े लीडर और लीडरों को बुलाया गया है कांग्रेस के सबसे आइए यहाँ और प्रियंका गांधी के साथ में उनके प्रदर्शन में शामिल हुई है। जी रंगेश, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि रंगेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे सोनभद्र से, वहां की स्थिति बता रहे थे। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार अड़ी हुई हैं सोनभद्र जाने के लिए, कई नेताओं को वहां पर रोक दिया गया है, टीएमसी के नेता भी वहां पर पहुंचे थे वाराणसी में लेकिन उनको भी रोक दिया गया है। और प्रियंका गांधी की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पीड़ितों से मिले बगैर वो यहां से नहीं जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा, जिस तरीके से हमने भी सुना यहां पर जनतंत्र टीवी पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता कोई भी मंत्री अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज बड़े बड़े नेता जो हैं वो वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं कि पीड़ितों से मेरे बगैर नहीं लौटेंगे प्रियंका गांधी का कहना है। उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने साफ साफ अपनी मंशा जाहिर कर दी है। 24 घंटे उनको होने को आ रहे हैं चिनार गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है। आपको बता दें कि कल वो पहुंची थी वहां पर लेकिन मिर्जापुर बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया था। और मिर्जापुर से हमारे संवाददाता चतुरानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। चतुरानंद, वहां क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है?
जी आपको बता दें प्रियंका गांधी सुबह से अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं और अभी उधर यहाँ बातचीत कर रहे हैं लोगों से। ये हमको यहाँ पे जो सोनभद्र जाएंगे, चार ही लोग जाएंगे, मैं जाएंगे जरूर, पीड़ितों से मिलेंगे, प्रशासन लाख कुछ कर ले। सिस्टम तो ये है कि चार लोग से कम से धारा 144 उल्लंघन नहीं होता, तो चार लोग तो मिल ही सकते हैं, इसलिए हम चार लोग मिलेंगे चाहे जो हो जाए। और रही बात मुचलका की, मैं मुचलका की भरू, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। और सोनभद्र में धारा 144 आज में कि मिर्जापुर में हमको रोका गया है, पर प्रशासन कहीं ना कहीं तानाशाही है। जी चतुरानंद, जिस तरीके से हम प्रियंका गांधी को अभी सुन रहे थे, हालांकि उन्होंने अपनी मंजर साफ कर दी है कि वो नहीं वापस लौटेंगी पीड़ितों से मिले बगैर, लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी स्थिति क्या है, 24 घंटे होने वाले हैं उनको वहां पर रहते रहते, तो आगे क्या और स्थिति होती हुई नजर आ रही है, क्या तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, क्या और उनको यहाँ पर रखा जाएगा? जी आपको बता दें कि जिला प्रशासन अमला यहाँ पे जुड़ा हुआ है जाने के लिए, पूरे मिर्जापुर जिले के पॉइंट को भी सील कर दिया गया है कि कोई बाहरी लोग न आ पाए। और यहाँ कमिश्नर ने आदेश दिया है कि सोनभद्र और मिर्जापुर में किसी की भी एंट्री न किया जाए, और जो भी एंट्री हो धारा 144 के अंतर्गत ही किया जाए, कम लोग रहें, जमावड़ा न हो जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का, इसलिए इस किया जा रहा है। बिल्कुल चतुरानंद, तो क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी को अभी और यहां पर रखा जाएगा, क्योंकि उनसे साफ साफ कह दिया गया था, जो खबरें आ रही थी कि उनसे 50,000 रुपए जमानत के तौर पर उनको जमानत मिल रही थी, लेकिन उन्होंने वो लेने से मना कर दिया, और अगर वो जमानत नहीं लेती है तो 14 दिन तक उनको हिरासत में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसमें? नियम तो है कि अगर आप मुचलका नहीं भरना पड़ेगा और पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा, किंतु यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, प्रियंका गांधी कह रही है कि मैं किस बात का मैं जमानत हूँ, मैंने किस चीज का उल्लंघन किया है। जो भी उल्लंघन है सोनभद्र जिले में है, न कि मिर्जापुर जिले में है। मिर्जापुर जिले में धारा 144 नहीं लागू, धारा 144 मिर्जापुर, और इन्होंने इनको डिटेन किया हुआ है कि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, सोनभद्र नहीं जाने दिया जाएगा, इसके लिए प्रशासन पूर्णबद्ध है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चतुरानंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चतुरानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें मिर्जापुर से वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। सोनभद्र कांड पर लगातार सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। प्रियंका गांधी अपनी जो मंशा है उन्होंने जाहिर कर दिया और अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि वो जब तक पीड़ितों से नहीं मिलेंगी वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जनतंत्र टीवी आपको हर अपडेट दे रहा है, और इसी मुद्दे पर सिद्धार्थनाथ सिंह यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और को लगता है यहाँ पे एक टूरिज्म चल रहा है सोनभद्र में, इसलिए वो घूमने जा रहे हैं। प्रियंका जी गई वाराणसी BHU, पीड़ित परिवार से मिलने, किसी ने आपको रोका नहीं, मगर यहाँ पर 144 लगाया है और 144 में आप शांति भंग करने जाएंगी तो उसको कोई सरकार अलाउ नहीं करेगी। तो इसलिए जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसने अपना काम कर रहा है। आप उसमें दखलंदाजी करेंगे, आप अपनी रोटियां सेकेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, रोडों पे लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो इससे आपने जो चुनाव में हार मिली है उससे आपको कोई लाभ आगे नहीं मिलने वाला है। जनता के बीच में जनता के दर्दों को समझने से उसके साथ जुड़ने में मिलता है, मगर प्रियंका जी भूल जा रही हैं कि 1955 में आपकी सरकार थी जब ये ही वनवासियों की जमीन आप लोगों ने बेच दी थी। आज उसका नतीजा है जो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की जो भू माफिया पैदा हो गया है उसको हम लोग एक एक करके उसका निस्तारण कर रहे हैं। सर, TMC का डेलीगेशन भी आ रहा है, समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन। देखिए वो सब लोग अब जाएंगे, मैंने आपको कहा ना, अब राजनीतिक होड़ लग गई है, लगता है वहाँ पे सोनभद्र में टूरिज्म चल रहा है, मैं वास्तविकता जो है वो कहीं और है। ये सब लोगों ने आदिवासियों की जमीनें बेची हैं प्राइवेट में, उससे ये विवाद पैदा होता है,
1955 में हुआ, 1989 में हुआ, आज हम लोग को दो साल के अंदर ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, एक एक करके उसको ठीक कर रहे हैं। आजम खान देखिए उनका क्या है, उन्होंने भी इसी तरह किसानों की जमीन करी है ना, क्योंकि आप बड़े नेता थे तो बेचारे कोई बोल नहीं पाए, आज उनकी हिम्मत हुई है तो बोल रहे हैं। पूरा का पूरा आपका गोमती नदी के ऊपर देख लो, वहाँ पे देखो, लखनऊ देखो, अतीक अहमद की ज़मीन अभी प्रयागराज में हम लोग ने खाली करवाई है, क्योंकि भू माफिया की तरह आप कब्जा कर रहे हैं। तो ये जितनी चीज़ें ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी हैं। हाँ, उस कारण विवाद पैदा होता है तो विवाद को सुलझाना एक ही तरीका है, जो सही मालिक है उनको दिया जाए। मगर ये टूरिज़्म जो राजनीतिक टूरिज़्म करने के लिए निकले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसको अलाउ नहीं करेगी। सर, आजम खान जी 40 में मुसलमानों की पाकिस्तान ना जाने की सज़ा हमें लिंचिंग के द्वारा मिली। तो सिद्धार्थ सिंह को सुन रहे थे आप, उन्होंने साफ साफ इसको राजनीतिक टूरिज्म का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि उसी समय की बात है जब प्राइवेटाइजेशन इसका कर दिया गया था जमीनों का, यानी कि उन्होंने ही पैदा किया है और अब वो राजनीतिक टूरिज्म इसको कर रहे हैं। तो ये अपना पक्ष उन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।